इंटरनेट पे झूठ और तसन्नो और इस तरह की रियाकारी दिखावे बहुत आदमी के मिजाज में आ जाता है। मैं आज नमाज पढ़ रहा हूँ, मैंने आज इतनी तिलावत की उस पर डाल रहा है, मैं ये पढ़ रहा हूँ ट्विटर पे। अब आपकी नेकी काय के लिए कर रहे थे आप? अल्लाह के लिए किए ना, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ कुरान पढ़ते पढ़ते, 50वां पारा मेरा चल रहा है। अल्लाह के बंदे कौन सा पारा है? अरे ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, नीचे फिर डाल रहा है, हाँ उस पर खुद ही कमेंट कर रहा है, सॉरी 50 नहीं 30। आपका आपकी नेकियाँ किसको बताना है? अल्लाह को। फिर किसी गरीब को खाना खिला रहा है, उसके पास गुड्डू खिला रहा है और पप्पू फोटो निकाल रहा है और उसके फेसबुक पे आ रहा है गरीबों को खाना खिलाना। फिर नीचे लोग कमेंट कर रहे हैं अल्लाह आपको जजाय खैर दे। फिर नीचे बोल रहा है अल्लाह सबको ऐसा बनाए। अरे ऐसा ना बनाए जो अपनी रियाकारी करते हैं। आपकी नहीं कि आप लोगों को क्यों दिखा रहे? अंधे का हाथ पकड़ के जा रहा हो देखो, और फिर उसके ऊपर 1000 जो है हिट्स आ रहे हैं, उसके ऊपर लाइक्स आ रहे हैं। वो लाइक के लिए कर रहा है? अल्लाह लाइक करे इसलिए कर रहा है या पब्लिक उसकी फेसबुक वाले लाइक करे इसलिए कर रहा है? क्यों कर रहा है? रियाकारी अक्सर मिजाज में आती है, दिखावा। फिर ये अपनी कार के पास ठहर के फोटो निकाल के फेसबुक पे डाला, मेरे पास कार भी है मैं बेकार नहीं हूँ। फिर फुलाना बाइक पे बैठ के फोटो निकाल रहा है। हर आदमी अपना दिखावा कर रहा है। तो एक आदमी पड़ोस वाले की कार के पास जाके निकाल के उस पे डाल रहा है, उसके पास कार नहीं है लेकिन फोटो कैसा होना चाहिए? कार वाला। तो वो चाचा की कार है, अनजान आदमी की कार है और बहुत भारी कार है, चल इतना जरा। अब उसका फोटो निकाला और अपने फेसबुक के मेन पेज पे क्या कर रहा है? कार वाला फोटो। लोग भी देखे ये बड़ा आदमी दिखता है या ऐसा वैसा नहीं है, उसका पूरा फोटो नहीं है क्योंकि जूते देखता तो मालूम पड़ता है इसकी कैसी कार है। एकदम टेक लगा के खड़ा हुआ, एकदम फरिश्ते के जैसा, एकदम नेक बन के, हाँ टोपियों भी पहन के। तो एक आदमी में रियाकारी का जज्बा आम हो रहा है फेसबुक की वजह से। हर आदमी जो काम नहीं किया है उस पर भी तारीफ चाह रहा है। कोई जाके मक्का में फोटो निकाल के भेज रहा है, कोई लोगों को खजूर खिला रहा है, इफ्तार करा रहा है। तो सियासतदानों के लिए पहले बहुत काम की चीज़ थी, अब हर आदमी सियासतदान बन रहा है, हर आदमी अपनी शोहरत चाह रहा है। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। मामूली चीज़ें कोई आदमी अपनी शेयर करे कोई हरज इसमें नहीं है, लेकिन अपनी नेकियों को छुपाएं। और कंपटीशन लोगों में चल रहा है, इसने अगर छोटी चीज़ डाली है फेसबुक पे तो मैं उससे बड़ी चीज़ करके फेसबुक पे डालूंगा। ये कंपटीशन तारीफ का शौक अच्छी चीज़ नहीं है। आदमी रियाकारी दिल में कैसे सरायत करती है, आदमी को होश भी नहीं होता है। आप दरवाज़ा भी बंद कर दें, हवा बराबर उसके नीचे से आती है। रियाकारी के लिए कितना ही दरवाज़ा आप बंद करें, बराबर आपके दिल में वो कहीं ना कहीं से आती है। बचाएं अपने दिल को। बहुत सारे लोग गरीबों को ब्लैंकेट बांट रहे हैं सर्दियों में, रात में उसकी आंखें भी बिल्ली की सी दिख रही हैं। रात में जो फोटो निकालते हैं मोबाइल से कैसा हो रहा है, आँख चमक रही एकदम उसकी, और अंधेरे में क्या कर रहा है, उसको ब्लैंकेट उड़ा रहा है। और उसको फेसबुक पे क्यों डाला? इतना अच्छा अल्लाह ने मौका दिया था तुझको कि तेरी नेकी अंधेरे में रहती, क़यामत के दिन उजाला होता, लेकिन तूने क्या किया, फेसबुक पे डाल के अपनी नेकी को बर्बाद कर दिया। खामखा क्यों दिखावा करे आदमी, क्यों तारीफ के लिए आदमी करे? अपनी नेकियों को अपने तक महफूज रखें। हाँ अगर कोई वाकई नफ़े वाली चीज़ है जिसको शेयर करना ज़रूरी है, कि कोई आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं और वो लोगों को मालूम हो कि फ़लाँ इलाके में ये ज़रूरत है, वो समझने की चीज़ है, इन्नमल आमालु बिन्नियात। लेकिन बहुत ख़तरनाक चीज़ है ये, रस्सी पे चलने जैसा है, हाँ थोड़ा सा भी पाँव गया तो सीधा दवाखाने में पहुँच जाएगा आदमी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आदमी अपनी नेकियों को जितना हो सकता है छुपाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन समअ समअ अल्लाहु बिही व मन युरा इल्लाहु बिही। जो आदमी अपनी नेकी सुनवाता है अल्लाह भी उसका सुनवा देगा, और जो आदमी अपनी नेकी दिखाता है अल्लाह भी उसकी नेकी दिखा देगा। यानी जो दिखावे के लिए नेकी करता है अल्लाह उसका दिखावा दिखा देगा लोगों को, अल्लाह उसका दिखावा दिखा देगा। ये इसने अल्लाह के लिए नहीं किया है, इसने दिखावे के लिए किया, सबको दिखा देगा देखो ये दिखावा करता था। अपनी नियतों की हिफाजत करें। इसको बुखारी मुस्लिम ने